तीन चार मिनट की बात उर्दू में। मेरे अजीजों जरा बात सुन ले, आज हर पाकिस्तानी को हम ये बता रहे हैं कि ये जो हमारा झंडा है, ये पीटीआई का झंडा, ये सिर्फ एक झंडा नहीं है, ये एक आवाज है, एक उम्मीद है, ये एक तहरीक है कैदी 804 के लिए, जो बेगुनाह पाकिस्तानी कौम की हकीकी आजादी के लिए और हुर्मत रसूल के लिए कड़े होने की सजा काट रहा है। पाकिस्तानियों, हमारा मुकाबला मुस्तनद सर्टिफाइड चोरों से है, जिनके सुरखेल, जिनके जरा खामोश हो जाए, हमारा मुकाबला उन लोगों से है, खामोश, वो कहते हैं कि पीटीआई पे पाबंदी लगाओ। उन्होंने कहा, आप देख ले मौलाना फजल रहमान के बयानात, नवाज शरीफ के, मरियम नवाज के, वो कहते थे इनसे बैठ चीन लो, काजी फाइजी सा ने हमसे बैठ चीन लिया। हमारी खवातीन आज भी नजर बंद है। ये वो मुल्क है जहां के सारे मुंसिफ ये तमाशा देख रहे हैं कि सनम जावेद मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन कहां से, खामोश गली सो, सनम जावेद कहां से इलेक्शन लड़ रही है, कोर्ट लखपत जेल से, मरियम नवाज फखर से इतराती फिर रही है कि शेर जीतेगा। हमारी उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद 70 साल की उम्र, कैंसर की मरीजा, नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है, कहां से लड़ रही है, कोर्ट लखपत जेल से लड़ रही है। नवाज शरीफ भी फ्रॉड और चीटिंग करने के बाद अपने गंदे चिमटे नुमा सर पे हाथ फेर के कहेगा कि मैं जीत गया। मेरे भाइयों, एक छोटा सा किस्सा सुन लो, आराम से एक किस्सा सुन लो, मैं बात खत्म करता हूं। चले जी, पश्तों में सुन ले।